हमारे माता पिता हमें बहुत से कामों में रोक टोक करते हैं, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वो हमेशा बोलते ही रहते हैं, किसी ना किसी काम में टोकते रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करके हमारे माता पिता हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? चलिए इसका फैसला बाद में करते हैं, उसके पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक पिता अपने 5वीं कक्षा में पढ़ रहे बेटे के साथ पतंग उड़ा रहे थे। पतंग काफी ऊपर उड़ रही थी, वो बादलों के साथ लहरा रही थी। अब धागों की ढील खत्म हो गई और पतंग आसमान में ही रुक गई, वो ज्यादा आगे नहीं जा पा रही थी। कुछ समय के बाद बेटे ने पिता से कहा, पापा हमारी पतंग धागे की वजह से ऊपर नहीं जा पा रही, इस धागे को तोड़ देना चाहिए, इसके टूटते ही हमारी पतंग ऊपर चली जाएगी। पिता ने कहा, ठीक है बेटा, तोड़ देते हैं, और फिर धागे को तोड़ दिया। कुछ देर के बाद पतंग ऊपर जाने लगी, बेटा खुश हो गया। फिर उसने देखा कि पतंग तो नीचे आ रही है और कहीं दूर जाकर गिर गई। ये देखकर बेटे ने पिता से कहा, पापा पतंग तो नीचे गिर गई। फिर पिता ने कहा, बेटा अब समझ में आया कि जब तक वो पतंग धागे से बंधी थी तब तक वो ऊंचाइयों को छू रही थी, क्योंकि तुम उसे उस धागे से संभाल रहे थे, और जैसे ही तुमने उस धागे को तोड़ा वो डगमगा कर नीचे गिर गई। कहानी बहुत छोटी है पर बहुत बड़ी बात सिखाती है, क्योंकि जिंदगी के जिस मुकाम में हम खड़े हैं वहां हमेशा लगता है कि किसी ने हमें बांध कर रखा है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। जिस तरह पतंग धागे से बंधी होती है उसी तरह हम अपने माता पिता से बंधे होते हैं, और वास्तव में यही वो धागा होता है जो हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है। हम धागे को तोड़कर थोड़ा ऊपर तो जा सकते हैं पर उस पतंग की तरह कभी न कभी नीचे जरूर गिरेंगे। इसलिए माता पिता हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकते, बस वो अपनी रोक टोक से उस धागे को टूटने से बचाना चाहते हैं जिसे तोड़कर हम ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए बाय।